नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और दोस्तों आज 3 मार्च 2020 तारीख आ चुकी है। तो दोस्तों आज सबसे बड़ी 69,000 शिक्षक भर्ती केस की सुनवाई होनी है। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की अति महत्वपूर्ण सुनवाई आज। देखें केस डिटेल्स। जी हाँ दोस्तों, केस का विवरण क्या है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई आज कोर्ट नंबर 1 में एडिशनल में नंबर 3 पर होगी। इस संबंध में कॉल लिस्ट भी जारी हो चुकी है। सुनवाई दोस्तों दोपहर 2:15 से शुरू हो जाएगी। आज शिक्षा मित्रों का पक्ष सुना जाएगा, उसके बाद बीटीसी बीएड वालों को रिज्वाइंडर लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए आज केस का विवरण है। तीसरे नंबर पर हमारा केस लिस्टेड है। तो दोपहर दोस्तों 2:15 से आप लोग तैयार रहिएगा। आज सबसे महत्वपूर्ण सुनवाई कोर्ट नंबर 1 में होगी दोस्तों। जज साहब होंगे पंकज कुमार जायसवाल जी और करुणेश सिंह पवार जी। जी हाँ दोस्तों, तो आज की सुनवाई सबसे महत्वपूर्ण है। अब तक की दोस्तों जितनी भी सुनवाइयां हुई है 69,000 शिक्षक भर्ती की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण हम आज कह सकते हैं। तो आज शिक्षा मित्र वर्सेस बीएड वर्सेस बीटीसी, जी हाँ दोस्तों सब आमने सामने होने वाले। और दोस्तों आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, क्या केस की सुनवाई शुरू हो चुकी है। उसके लिए दोस्तों हमने कमेंट बॉक्स में आपके लिए एक प्रॉपर लिंक दे रखा है, जिस पर दोस्तों आपको बिल्कुल आज 24 घंटे दोस्तों मतलब आज 3 मार्च की सारी अपडेट्स वहां पर अपडेट की जाती रहेगी, हर मिनट हर घंटे हर सेकंड। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कभी समय लग सकता है, कभी सेकंड्स की अपडेट आएगी, तो आपको हर मिनट की आज अपडेट्स मिलने वाली, तो आप चेक कर सकते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण बातें और करेंगे। फाइनल कट ऑफ को लेकर आज होगी अंतिम सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, अगर सब कुछ सही रहा तो आज ये केस का ऑर्डर रिजर्व कर लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। और आपके मन में जो दो सवाल और उठ रहे थे, टेट पास शिक्षा मित्रों की संख्या कितनी है और अब तक के सारे सर्वे क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी तक के जितने YouTube पर सर्वे किए गए उसके हिसाब से कितने छात्रों को नौकरी मिलेगी और कितने अंक तक के गुणांक को, जी हाँ दोस्तों कितने गुणांक तक मिल जाएगी नौकरी। मेन सवाल दोस्तों यहाँ पर यह भी उठेगा कि आपके गुणांक कितने होने चाहिए नौकरी पाने के लिए, ठीक है ना। तो एक एक करके आज हम डिस्कस करेंगे, आपके हर एक सवाल का जवाब इस वीडियो में छुपा है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो पहले दोस्तों जो रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन दिख रही है उसको हल्का सा टच कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और इस वीडियो को, जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उन तक भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। अब पहला सवाल दोस्तों आपका ये था कि टेट पास शिक्षा मित्रों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों देखिए, जो शिक्षा मित्र की टीम ही कहती है तो उनके हिसाब से दोस्तों जो उनकी संख्या हो सकती है, जो यूपी टेट या सी टेट कोई भी परीक्षा पास कर चुके हैं, उनकी संख्या तकरीबन 22,000 हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, 22,000 दोस्तों उनका डेटा। अगर मान लेते कुछ शिक्षा मित्र की तादाद बढ़ भी सकती है, देखिए अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो कुछ कहा नहीं जा सकता कितने शिक्षा मित्र होंगे बिल्कुल एक्यूरेट, लेकिन दोस्तों मैक्सिमम 22 से 25,000 शिक्षा मित्रों की तादाद हो सकती है। अगर मान लेते दोस्तों 40-45 कट ऑफ की फिर से जीत होगी, ठीक है ना। देखिए दिक्कत कहाँ पर है, शिक्षा मित्र दोस्तों पास होने की जो तादाद पूछते हैं बच्चे, उनको दोस्तों ये टेंशन न थी कि अगर 40-45 की ही जीत होती है। कहने का मतलब दोस्तों जो अंतिम कट ऑफ या फाइनल कट ऑफ वो 40-45 ही लगती है, जिसमें से आपको पास होने के लिए नंबर लाना पड़ेगा 60 नंबर और 67 नंबर। तो क्या होगा, और 60-65 का मतलब भी दोस्तों हम डिफाइन कर दें, आपको काफी छात्र कंफ्यूजन में रहते हैं, 90 और 97 नंबर, ठीक है ना। तो शिक्षा मित्र की तादाद अगर 22,000 होती है, 69,000 में से दोस्तों जब हम 22 घटा देते हैं तो बचती है हमारे पास 47,000 सीटें, ठीक है। तो 47,000 सीटें दोस्तों तब भी आपके पास बचेंगे अगर 40-45 कट ऑफ की जीत होगी, तो भी आपके पास 47,000 सीटें कम नहीं होती हैं। इतनी वैकेंसी आती है, आपको पता होगा अभी बीईओ की वैकेंसी आई थी सिर्फ 309 पदों पर, ठीक है ना, उसमें 5 लाख से अधिक आवेदन हो गए। सोचिए 69,000 शिक्षक भर्ती में तो फिर भी 5 लाख से कम 4,10,000 बच्चों ने आवेदन किया है, ठीक है ना। मतलब इतने बच्चों ने पेपर दिया है, आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या हो सकता है थोड़ा बहुत ज्यादा रही हो, लेकिन इतने बच्चों ने तो भाई पेपर दिया था 4,10,000। तो इतने छात्र सम्मिलित हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में और इन्हीं छात्रों को नौकरी लेनी है। तब भी दोस्तों अगर हम 22,000 सीटें निकाल देते हैं तब भी आपके पास 47,000 सीटें बचेंगी, जिसमें से आपको नियुक्ति पत्र बढ़ सकता है। तो मतलब एक तरह से कहना दोस्तों ये हमारा कि ये काफी आसान है, आपको नौकरी मिल सकती है, थोड़ा सा आपको संयम रखना है दोस्तों और अपने जो गुणांक है उसको सही से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको नौकरी मिल जाएगी और आसानी से मिलेगी। देखिए आपको एक बात और बता दें, जब 40-45 कट ऑफ लगेगी दोस्तों होगा तब भी काफी छात्र ऐसे होंगे जो 60 और 67 नंबर भी नहीं ला पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब सभी छात्रों की हम बात नहीं कह रहे, लेकिन काफी छात्र ऐसे हो सकते हैं। तो फिर मन में आपके एक ही लास्ट में एक सवाल उठता है कि कितने गुणांक तक दोस्तों आप सेफ अपने आप को समझ सकते हैं, कितने गुणांक तक आपको मिलेगी नौकरी। देखिए सिंपल सा एक आइडिया आपको लेना है, कितना गुणांक आज के दिन जरूरी है हर एक वर्ग में हर एक कैटेगरी में।
सबसे पहले दोस्तों बात आती है आपके जनरल कैटेगरी में, हम बात दोस्तों कह रहे हैं 40-45 कटा आपके जीत के बाद, ठीक है ना। 47,000 सीटें बचेंगे आपके पास, 47,000 सीटें में जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, कैसे दोस्तों सीटों का बंटवारा होगा उसको समझ लीजिए। जनरल में कम से कम आपके पास 70 अंक का गुणांक होना चाहिए, तभी दोस्तों आप फाइट में हैं। लेकिन इतना भी टेंशन आप नहीं लेना दोस्तों, हो सकता है कि आपके जिले में हो सकता है कि भाई गुणांक या कटाप ज्यादा जाए नौकरी पाने के लिए जो मेरिट बने, दूसरे जिले में कम जा सकती है। ऐसा नहीं कि हर जिलों में 70 ही जाएगी, हो सकता है कहीं पर कम भी जाए। देखिए आपको एक और चीज बताएं हम, जो एकेडमिक दोस्तों है ना उसको आप समझना पड़ेगा आपको। जितने छात्र 100 नंबर पा रहे होंगे उनका 240 अंक का गुणांक या वेटेज मिलेगा, समझिए इस बात को। 100 नंबर में 40 का है, ठीक है ना, और 110 नंबर में दोस्तों आपको कितना है 44 का, और 90 नंबर में दोस्तों कितना हो जाएगा 9 चौके 36, 36 का ये वेटेज दोस्तों आपके गुणांक बनेगा, ठीक है ना, समझ लीजिए कुछ बातें पहले। उसके बाद दोस्तों आपका जो एकेडमिक है, जो मोस्टली बच्चों का, मैक्सिमम बच्चों का, हम कह रहे 4,10,000 छात्रों में जो बनेगा दोस्तों, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 अंक का बनेगा। जी हाँ दोस्तों, पहले छात्रों के नंबर उतने नहीं आते थे, जो छात्र पहले बीएड कर चुके होंगे उनके 60% 60% ऐसे करके उनका रिजल्ट बना होगा। तो मैक्सिमम 200 छात्रों का जो होगा वो 25 से लेके 28 अंक का उनका गुणांक बनेगा, ठीक, समझ जाइए कुछ बातों को पहले। अगर दोस्तों आज आपके नंबर 36 आते हैं, उसके बाद आपके पास मान लेते दोस्तों चलिए 28 और 25 नहीं 26 बनता है, ठीक है ना, 26 अंक आपका दोस्तों यहाँ से, 36 अंक यहाँ से, जरा इसको हम जोड़ लेते हैं कितना हो जाएगा, ठीक है, 36 और हम जोड़ेंगे यहाँ पर 26, 6 6 12 3 2 5 1 6 62 अंक का गुणांक बनता है। सोचिए आपका जो ऑन एन एवरेज जो आपका गुणांक बनेगा 62 किसी का बन जाएगा, किसी का 65 तक बनेगा, ठीक है, बस मतलब आपका जो कुछ रेंज होने वाला है। 100 नंबर दोस्तों काफी होते हैं सुपर टेट में, तो 100 से 110 ये मैक्सिमम होगा, 110 से ऊपर जो छात्र जाएंगे वो काफी कम होंगे, वो हजारों की संख्या उनके पास नहीं होगी, लिमिटेड संख्या होगी दोस्तों, 2,000 3,000 बच्चे ही होंगे जो 110 के ऊपर जाएंगे, बाकी सभी छात्र 110 के नीचे ही रहने वाले हैं। तो एक बात आप समझ गए होंगे कि जो दोस्तों मैक्सिमम छात्रों का जो गुणांक या मेरिट बनेगी वो 60 से लेकर 65 के बीच में सबसे ज्यादा छात्र होंगे, जो 60 से 65 अंक जिनकी मेरिट बनेगी, हम मेरिट की बात कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों 65 से 70 वाले मेरिट में आएंगे, ठीक है, अब 70 से ऊपर जो जाएंगे मैक्सिमम वो शिक्षा मित्र होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके पास 25 अंक का वेटेज है, तो मैक्सिमम शिक्षा मित्र होंगे, और दोस्तों कुछ छात्र होंगे जो 70 से ऊपर भी जाएंगे, ज्यादा नहीं होंगे, कुछ छात्र होंगे 70 से ऊपर बीटीसी और बीएड वाले भी छात्र, ठीक है, इस बात को आपको समझना है। तो मतलब ऑन एन एवरेज दोस्तों अगर आपके 60 से 65 या 70 के बीच में गुणांक बन रहा है तो आपको नौकरी मिल सकती है, आपको टेंशन नहीं लेना है कि अगर आपके 61 62 64 कुछ भी अगर आपके गुणांक बने तो आप टेंशन लें, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मिल सकता है, पूरा मौका है, ठीक है ना। तो जो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताया डिटेल्स, रियलिटी दोस्तों यही है, होता है ना कि पहले छात्रों को देखिए, कुछ छात्र होंगे जिनके एकेडमिक अच्छी होगी, 80-80% दोस्तों उनको मिला होगा हाई स्कूल इंटर में, तो चलिए ठीक है, तो उनके मैक्सिमम 32 नंबर तक ही पहुंचेंगे ना, 32 उनके यहाँ बनेंगे, और 100 नंबर वाले आते तो वहां पर 40 अंक का बनेगा, तो उनका दोस्तों बनेगा आपका 72 अंक का गुणांक। तो कुछ छात्र होंगे जो 70 से ऊपर भी जाएंगे, और मैक्सिमम छात्र 70 के नीचे ही रहने वाले हैं, तो आपको फिलहाल ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कैसे क्या क्या होगा, ठीक है, सारी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे पल पल की जो भी अपडेट्स आएंगे। तो फिलहाल आज की कोर्ट की दोस्तों सुनवाई होने वाली है, आज पहले ये फाइनल होने दीजिए आखिर फाइनल कट ऑफ क्या बनेगी, 40-45 या 60 और 65। तो दोस्तों जो भी फाइनल कट ऑफ बनेगी उसके आधार पर हम लोग और डिस्कशन करेंगे कि अब आखिर कितने छात्रों को नौकरी मिलेगी। देखिए 60 और 65 की जीत के बाद मामला वन साइडेड होने वाला, फिर शिक्षा मित्र दोस्तों यहाँ बिल्कुल नहीं रहने वाले, मतलब फिर वही होगा जो पास हो जाओ नौकरी ले जाओ, क्योंकि 90-97 नंबर लाना हर एक बच्चे की बस की बात नहीं है, काफी छात्र हो सकते हैं 90-97 में, लेकिन दोस्तों 4 लाख छात्र तो नहीं होने वाले, ठीक है, उसमें सभी बीटीसी और बीएड के छात्र भी 90-97 में पास नहीं होंगे, काफी छात्रों के, फिर से हम दोस्तों दोहरा रहे हैं, काफी छात्र 90-97 में पास हो सकते हैं लेकिन सभी छात्र नहीं हो सकते, वो बीटीसी और बीएड के भी काफी छात्र 90-97 की रेस से बाहर होंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या दोस्तों आज जस्ट आपका फैसला होता है, और आज जब ऑर्डर रिजर्व होगा उसी समय दोस्तों आप समझ जाएंगे कि क्या होने वाला है, ठीक है ना, जस्ट आपका दोस्तों आप देख के मूड समझ जाएंगे कि आखिर जो आज की सुनवाई होगी। देखिए आज जो शिक्षा मित्रों का पक्ष सुना जाने वाला है वो मतलब बिल्कुल एक मामूली सुनवाई है, जो इनके मेन अधिवक्ता थे दोस्तों, जो इनके मेन वकील थे, उन्होंने अपनी सुनवाई है दोस्तों, मतलब अपना जो सबमिशन है उसको सबमिट कर चुके हैं। तो अब उनका दोस्तों जैसे ही आज परिहार सर का दोस्तों लिया जाएगा सबमिशन, उसके बाद दोस्तों खाली बीटीसी बीएड करिए ज्वाइंडर लिया जाएगा, बस वही से केस आज दोस्तों समाप्त होगा, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों ये नहीं होगा कि उसके बाद फिर से आपके शिक्षा मित्र का पक्ष फिर से रिज्वाइंडर करेगा, ऐसा नहीं है, बस बीटीसी बीएड वालों को दोस्तों
थोड़ा बहुत बोलने का मौका मिलेगा, वो जस्ट आपके ऊपर डिपेंड्स करता है कि कितना समय देते हैं। और मैक्सिमम उम्मीद है दोस्तों कि आज ही ये केस फाइनल होगा, मतलब ऑर्डर रिजर्व होगा, और उसके बाद दोस्तों जो सुनवाइयां होंगी उसके अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल आज दोपहर 2:15 से आप लोग हमारे साथ लाइव बन सकते हैं। जो भी दोस्तों केस के अपडेट्स आएगी सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए लाएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जो हमने लिंक दे रखा है उसको भाई पल पल रिफ्रेश करते रहिए। जी हाँ दोस्तों, लाइव अपडेट तो सबको चाहिए होता है लेकिन रिफ्रेश करना भूल जाते हैं, तो लिंक को रिफ्रेश रिफ्रेश करते रहिए, लाइव अपडेट पाते रहिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।